आप कमेंट करके जरूर बताना हमारी राधा रानी कैसी लग रही है छोनी बेबी। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मम्मा के वीडियो के ब्लॉग में। तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह ही हमें पोती आ गई थी तो इसलिए हमने मम्मा को जगा दिया है और सुबह के 6:30 बजे ही हम पूरी एनर्जी में हैं, है ना रिद्धू बेबी। अभी ऐसा ही हुआ है कि सुबह सुबह 6:30 बजे रिद्धि ने मेरे को जगा दिया। रिद्धि को पोती आ रही थी, पता नहीं पेट में दर्द हो रहा होगा उसके, तो इसने रो रो के मुझे जगा दिया। तो मुझे फिगर आउट करना नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि ना दूध पी रही थी ना कुछ हो रही थी। फिर मैंने इसे कॉट में डाला तो ये उसमें शांति से बैठी और फिर इसने अपना पेट हल्का किया, तो उसके बाद अब ये हैप्पी है। ऐसे ही आज दिन की शुरुआत हुई है। अब मैंने नोबिता को घुमाने भी जाना है, नोबिता को लेके जा रही हूँ बाहर और दीदी के पास। अभी मम्मी बैठे हैं, गीता आंटी भी आ गए हैं साफ सफाई करने के लिए, तो फिर मम्मी दीदी के पास बैठ जाएंगे। तो मैं नोबिता को घुमाने आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हम जब भी उठे इसको तभी जल्दी मच जाती कि तुम उठे हो तो तुम मुझे घुमाने के लिए उठो, पहले मुझे लेके जाओ बाहर। बारिश और कीचड़ की वजह से आज मैं नोबिता को दूसरी साइड लेके आई हूँ। तो ये हमारी इस गली से, जिस गली से आई हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारे डॉगी, अभी भी आवाज आ रही है। देखो डॉगीज को ये हो जाता है ना, ये हमारा एरिया है, ये हमारी गली है, इसमें कोई और नया कुत्ता कैसे आ गया। नोबिता हमारा घूमी करके आ गया है और इधर मम्मी देख रहे हैं पुरानी फिल्म। दोस्तों इस रेनी सीजन में और पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था और हेयर फॉल से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इसीलिए मैंने मामा अर्थ का एंटी हेयर फॉल शैम्पू और कंडीशनर, और इसी के साथ ही मैंने ऑर्डर किया है इसका एक हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम जो कि बना हुआ है रोजमेरी और अनागैन से। मामा अर्थ का ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू और कंडीशनर बना हुआ है रोजमेरी और मेथी दाना से। रोजमेरी जो हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और मेथी दाना हेल्प करता है हमारी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो स्कैल्प सीरम है ये आप डेली यूज कर सकते हो और इसके बाद आपको बाल रिंस ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है और इसमें बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो और डेली यूज में लगा के ट्रेवल भी कर सकते हो। दोस्तों मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल से फ्री और ऑल नेचुरल होते हैं। दोस्तों मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ की ऐप पे, मामा अर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पे भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको ऑफलाइन नियर बाय स्टोर में भी मिल जाएंगे। अगर आपने किसी भी नियर बाय स्टोर में मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकती हो, प्रब के 2024, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज बहुत ही टफ दिन है मम्मी पापा के लिए, रिद्धि के मम्मी पापा के लिए, क्योंकि आज हम रिद्धि को फर्स्ट डे क्रेच दिखाने ले जा रहे हैं। थोड़ी देर इसको आज क्रेच में छोड़ेंगे। तो रिद्धि हमारी पूरी तैयार होके ये देखो बैठ गई अपने कॉट में, तो इसको मैंने रख लिया है। क्रिश तो ऑलरेडी LPU में ही है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो आज रिद्धि को थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर धीरे धीरे इसको वहाँ रखना शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 5 मंथ की छुट्टी लूंगी और रिद्धि को 5 महीने की करके फिर ही उसका आगे सोचूंगी, पर अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब घर भी ले रहे हैं तो पैसों की जरूरत है और एक्सपेंसेस का खर्चा हर चीज का गिरीश के ऊपर आ गया है। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे गिल्ट होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही खर्चों में। तो इसीलिए सोचा है कि ज्वाइन कर लूं। रिद्धि हमारी 4 मंथ्स की हो गई है तो अब इसका 5th मंथ चालू हो गया है, तो बहुत कन्वीनियंट है वो शिफ्ट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली। तो ये देखो रिद्धि हमारे पास आ गई है, सो रही है गाड़ी में, और हम यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं क्रेच में। रिद्धि को आज थोड़ा दिखाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी देर क्रेच में। रिद्धि को छोड़ना है तो देखना है कि क्रेच में कैसे रहेगी। रिद्धि पापा आए हैं, पापा पापा के पास आए हो आप, पता है आपको कैसे घूर रही है। अब फिर रोने वाला मन ना कर लेना अपना। बंदर ना क्रेच देखने गई है तो रिद्धि यहाँ पे बैठी मुंह के साथ कुछ ना कुछ कर रही है। क्या कर रहे हो बेटा आप, क्या कर रहे हो? सच बताऊं बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि इसको यहाँ पे छोड़ा जाए, और मैं बिल्कुल इस चीज़ के एग्री नहीं था, इसके पक्ष में नहीं था। ये देखो
अभी अंदर जाके आई है, ये घूम के आई है, देख के आई है क्रच। हंस के बता रही है, हाँ देख के आई हूँ। अभी हम अंदर पूछ के आए तो वो कह रहे हैं हम ना मैनेजमेंट से पूछेंगे कि हम इतनी छोटी बेबी को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो कल वो हमें बता देंगे। पहले हमने बात की थी तो वो 3 मंथ की भी रखने को रेडी हुए पड़े थे। तब अभी ना बदल गया है ये पूरा स्कूल जो है ना, ये चेंज हुआ है। पहले कोई और स्कूल था, अब कोई और स्कूल है जिसकी मैनेजमेंट है ये सारी। तो फिर उन्होंने तो किया था, हाँ, कहा था उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि हम रख लेंगे। एक्चुअली शायद उनको मेरी शक्ल देख के उस दिन लग गया होगा कि ये नहीं छोड़ेगी उस दिन। ये भी हमारी बात सुन रही है देखो। तो यहाँ सबसे छोटा जो बेबी है वो 8th month का है और ये उससे छोटी होगी अगर ये गई तो। मैं खुश तो थी अभी ये 10 मिनट गई थी उनके तो साथ घूम के, ठीक है क्योंकि अभी इसको इतना ज्यादा पता नहीं है। हाँ। ये सबकी गोद में आ जा रही है, बाद में दिक्कत तो मुझे जो मेरी फ्रेंड है ना जो मेरे को ली गई उन्होंने यही कहा था, कहते मैंने अपनी बेटी को 9 months की थी जब डाला था तो तब वो उसको पहचान हो गई थी, तो वो रोती थी जब मैं उसको छोड़ने जाती थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि आप इसे 4-5 महीने की कोई डाल देना वो नैनी के साथ अटैच हो जाएगी। कि इस एज में बच्चे को नहीं पता होता कि हमने किसी को किसी के पास जाना है किसी के पास नहीं जाना, बच्चा चूज ही नहीं होता। ये आजकल ये नई चीज सीख गई है ना ये करना। कमेंट भी आ रहा था कि प्रभ को तो घर में बैठ के सैलरी मिल रही है इसलिए बैठी, अगर ऐसा हो रहा होता तो हम ये स्ट्रगल क्यों कर रहे होते बताओ। इनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है वहां से, आप जो बोल रहे हो ना कि इनको सैलरी मिल रही होगी, तो जिसको सैलरी मिल रही होगी वो पागल है कि वो अपनी बेटी को छोड़ के जॉब करने की, इतना उसको मजा आता है जॉब करने का। जब मेरे को सैलरी मिलेगी तो मुझे क्या जरूरत है, फिर घर बैठे मिल रही है तो मैं अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रखूं घर पे। कितना मुश्किल होता है, कहने को बहुत आसान लगता है जब हम किसी की बात सुनते ना, हाँ क्रैच है या ये है वहाँ छोड़ के बच्चे को चले जाओ, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को किसी के पास भी छोड़ के जाना, चाहे वो नानी हो चाहे वो दादी हो चाहे वो क्रैच हो। तो मैं अगर मुझे मिलती होती तो मैं इतना डिफिकल्ट स्टेप मैं क्यों लेने का सोचती। तो ब्लेम तो सब करने आ जाते हैं माँ को कि माँ ने ये किया माँ ने वो किया माँ ने करियर के लिए बच्चे को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पर एक माँ पे क्या बीतती है वो सिर्फ माँ ही जानती है। अब अभी भी जॉब ना करती मगर वो लोन ले लिया घर ले लिया, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है तहस नहसी हो गई है, उसके चक्कर में ही प्रब को जॉब करना पड़ रहा है। वो कह रही है मैं जॉब करूंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी साथ में, और कोई रीजन नहीं। अगर उनको वो सैलरी मिल ही रही होती तो हम तो मजे से जिंदगी काट रहे होते, ऐसा थोड़ी है कि फिर उनको मैं बोलता कि नहीं 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 आप जॉब करो। बाकी मेरा लंच टाइम हुआ पड़ा था तो प्रब आ गए, लंच तो मैंने करना नहीं था, पानी पी रहा हूँ आज, तो व्रत चल रहा है तो लंच आज दे ये लो लंच कर लो। क्या मैंने नहीं करना पानी की बोतल दे रहे हैं, कह रहे लंच कर लो। तो अभी जब मैं घर आऊंगा फिर हम इसको राधा रानी भी बनाएंगे और उसके बाद मंदिर भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको मंदिर भी लेके जाएंगे। ओके बेटा रेडी रहना, मैं घर आऊंगा जल्दी सिर्फ 4 घंटे बाद। ओके बाय 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 कर दो ना पापा को, बाय 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 कर दो रहने दो, धूप पड़ेगी। रिद्दू बेबी देखो यहाँ माची के चाथ लगी हुई है खेरी खेरी करने, और आज हमारी देखो छम छम कर ली है। ये दादी माँ का गिफ्ट पहना है, पहलों में पायल छोनी 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 पायल पहनी है, और सुनीता भाभी ने जो कड़े दिए थे वो पहने हुए इसने हाथ में। तो ऐसे हमारी रिद्दी बेबी को हमने प्री रेडी कर दिया है, और मासी ने अभी नए कपड़े पहनाए हैं, मतलब चेंज की है ड्रेस जो उसने सुबह से पहनी हुई थी एलपीयू से आके, तो वो चेंज कर दिया है। और इधर मासी बेबी को संभाल रही है, और मेरे हाथ में देखो क्या है जो अभी मम्मी ने तोरी भेजी है वो तोरी को मैं छील रही हूँ, और इधर उसको बनाने की तैयारी हो रही है। मैं और मम्मी यहाँ किचन में लगे हुए हैं। दोस्तों मैं घर में आ गया हूँ और मेरे को थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा है। ये देखो बेबी सरप्राइज लेके आए हैं मेरे लिए, आज मेरा व्रत था ना तो व्रत का जो उद्यापन है वो हो रहा है हलवा खा के। हाँ, मैं चमचे दो ले आई हूँ, तू नहीं खाना है देचे तेरे में बकरा दे देनी। देखो आज पहली बार हमारी रिद्दू ने गहने पहने हैं, ये देखो कितने अच्छे लग रहे पैरों में नहीं? और हाथों में ये देखो मैंने पायल है चनकाई, अब तो आ जाओ हर जाई, मैंने पायल है चनकाई, अब तू आ जाओ हर जाई, मेरे
दिल में तू है बसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा है ना। प्रभु लगी हुई है तैयारी करने कि किस तरह इसको सजाया जाए, किस तरह गहने पहनाए जाएं। ये रही इसकी घाघरा चोली, है ना रिद्धू बेटा। तैयारी को पता भी नहीं है इसके साथ क्या क्या हो ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या सिर पे क्या लगा दिया आपके क्या लगाया आपके सिर पे? देखो अब तो ये जो छन छन कर रही है ना, और भी अच्छी लग रही है, राजस्थानी बच्चा लग रहा है। कैसे खुश हो रही है बिंदी लगा के, कैसी लग रही है बिंदी आपके? आपकी मम्मी खुद बिंदी लगाती नहीं है, आपके लगा रही है। मम्मी खुद की बिंदी नहीं लगाती थी, आपको बिंदी लगाती है। आओ कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी स्माइल भी करके दिखा रही है कि हाँ पापा मैं प्यारी लग रही हूँ। आपको पता लग गया आप प्यारे लग रहे हो छोटू शू। ए वाओ हमारी क्यूट क्यूट राधा रानी, क्या बन उसके दिखा रही है। ये देखो पैरों में भी ये क्या कर दिया। हाँ मैंने हाथ लगा खराब तो नहीं कर दिया। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे 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 क्यूटी पाई, आज तो मंदिर जाओगी। तो मम्मी आपको सरप्राइज दिखाएं? ये देखो, ये देखो हाथ में पैरों में घुंघरू भी पहना दिए। ये देखो राधे 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 राधे, शाम मिला दे। अरे बिंदी लगा के टिकुली लगा के कितना झुंड लग रहा है। आजा आजा बाबू, बिंदी आपको पता है राधा रानी बनी हो, पता है आपको? ए चाप पता है गुड़िया को, चाप पता है कि हमने दादी से मिलवा दिया है तो ये खुश हो गई है। हन्ना जी खुश हो गई है। मैंने ये कुर्ता पहना था कि रिद्धि के साथ ये भी मैच हो जाएगा। देखो ब्लू उसने पहना हुआ है, मगर ये बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है, मतलब कि ऐसे ये देखो मोटा हो गया हूँ। ये लवी ने मेरे को पिछले बर्थडे में गिफ्ट किया था, मगर अब ये मेरे को आ नहीं रहा है, उस समय पूरा ढीला था। तो अब मेरे पास राखी वाला ही ऑप्शन है, जो राखी वाले दिन मैंने कुर्ता पहना था। ये देखो हमारी राजा रानी तैयार हो गई है। ले हमने कोतू को भी ऐसे थोड़े ट्रेडिशनल दुपट्टे से सजा दिया है। तो ये देखो, आप कमेंट करके जरूर बताना हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। छोनी बेबी लोदू लोदू जी क्यों थी भाई, अले नोबिता जाए देखने हमारी राधा रानी को। हाँ जी बेटा, क्या होगा मो बच्चे को, राधा रानी है ये, अच्छी राधा है ना। तो दोस्तों ये देखो हमारी राधा ने बोरला लगाया है, बिंदी लगाई है, और ये देखो घुंघरू वाले कड़े भी पहने हैं। ये सुनीता भाभी ने गिफ्ट किए थे, ये मेरी गुरु माँ ने दिए थे रिद्धि को। और ये ड्रेस पहनी है लहंगा चोली जो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, और इसके साथ पहनी है पायली। ये देखो पायली, ये देखो पायली पहनी है। ये पायली गिफ्ट करी थी दादी मम्मा ने, और इसके साथ ही ये देखो अलता लगा के सिंदूर से पैरों पे भी डिजाइन बनाया है। छोटे बेबी के हाथों पे हमने बनाया नहीं, क्योंकि ये हाथ मुंह में डालती है, माउथिंग कर रही है ना अभी, इसलिए। तो ऐसे हमारी बेटी राधा रानी बन के तैयार हो गई है। क्यूटी पाई राधा रानी सुंदर। नोबिता नोबिता दीदी अच्छी लग रही है।
रिद्धि बेबी अच्छी लग रही है, हैं? रिद्धु, 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 ये तो ऐसे लग रही है बड़ी बड़ी हो गई है, है ना? ये इसका वो हैंकी देना, हैंकी साथ में रखो ठीक है राजा जी। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी को मिले, कभी मुचकाए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसी न जले, राधा कैसी न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसी न जले, राधा कैसी न जले। जी हमारी किशोरी जी आ गई है गाड़ी में, ये देखो हमारी किशोरी सो भी गई है और क्या, कितनी क्यूट लग रही है ना, वाओ। ए राधा रानी, ये देखो सोती हुई हमारी राधा रानी, अपने पापा के साथ जा रही है मंदिर, और इधर मम्मी दीदी नानू भी है हमारी राधा रानी। अले मां प्याला बच्चा ये है, वो देखो छोटी चिकाना जी के साथ हमारी छोटी सी राधा। हे बीबी जा रही है। ये देखो इधर नन्नू दीदी भी आइसक्रीम खा रहे हैं और मम्मी जी भी आइसक्रीम खा रहे हैं। गिरीश जी भी आइसक्रीम खा रहे हैं। गिरीश जी भी आइसक्रीम खा के उस पे एहसान कर रहे हैं कि मैं आइसक्रीम खा लेता हूं। लो आप भी खा लो थोड़ा। मैं भूल गई, मैं कह देती मेरे लिए खाने की, कौन ले आओ। चलो कोई सारे ना आइसक्रीम चट के ना दे दो आपको। राधा रानी आ गई है घर पे और इतनी सुंदर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना तब भी ऐसे तूफान आया था भाई। तो ये देखो क्या होगा बच्चा, क्या हो गया? रिद्धु बेबी की ना नींद खराब हो गई है। वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको हमारी राधा रानी सुंदर लगी होगी। हमारा बहुत सारे लोग मिले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पहचाना, इसके साथ फोटोज करवाई। हमसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी है तो इसी की किस्मत है। तो ठीक है, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।